और इस खेल के बाद अगला मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे ईपीएल सिंह बराम टर्मिनेटर एफसी। यहाँ पर एक टीम जो नजर आ रही है रामलाल जी ऑरेंज कलर के जर्सी पर झुमुर 11, उनका जर्सी नंबर नहीं है, हमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई। और फुटबॉल खेल में जो नियम कहती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, नियम अनुसार देखा जाए तो जर्सी नंबर होना चाहिए ताकि रेफरियों को दिक्कत ना हो और हमें भी कमेंट्री करने में और कहने में दिक्कत ना हो, पहचानने में तकलीफ ना होना चाहिए, लेकिन जर्सी नंबर नहीं, इनके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? नहीं सूरज जी, आपने सही फरमाया, किसी भी अगर देखा जाए मैच में, यानी कि फीफा के रूल है कि आप बगैर जर्सी नंबर के साथ मैदान में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर चल रही है टीम है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सूचना रहेगा तमाम टीमों के कप्तानों के लिए कि आप जर्सी तो नंबर अंकित रहेगी, वो इक्विपमेंट वो जर्सी ही आप अगर पहन कर खेले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नियम के दायरे में भी आता है आप बगैर अमरिंग जर्सी के साथ नहीं खेल सकते हैं। लेकिन आने वाला कप्तानों के टीमों के कप्तान है, उन टीमों के कप्तानों से निवेदन रहेगा कि अपने टीम को आप जर्सी नंबर के साथ ही रखेंगे। बिल्कुल फुटबॉल खेल, हेलो हेलो जर्सी रे नंबर ओबंदे ऐसे दुर्घटना हो रहा है नंबर पर होते जो कल का आले वाले मुश्किल हुआ कजी लगे इन खिलाड़ी को ऊपर लगे को आखो मुश्किल है, लेकिन निमित्त एक मिनट शानदार शॉट झुमुर 11 पाते हैं गोल लगे कोशिश में तो बहुत से उन्होंने गोल ला रहे थे बाहर। यहाँ पर जिस प्रकार से नियम जो कहती है हमें नियम का पालन करना होगा, और मैं तो एक समझता हूँ रामलाल जी अनुशासन ही इंसान को महान बनाती है, डिसिप्लिन इज माई लाइफ। रामलाल जी और इस समय देखते हैं फिर से मौके की तलाश में डिफेंडर वहां पर तैनात झुमर 11 है, डिफेंडर ने बॉल को बढ़ाने में कामयाब रहा उनके मिडफील्डर के लिए, मिडफील्डर के आपको ढूंढता हुआ और कहीं ना कहीं टाइट विंगर के लिए बॉल को बढ़ाने में कामयाब रहा। और हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो 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 दादा तिल के हेलो। और इस समय मौका बन सकती थी वहां पर हेडर के जरिए बॉल को डी बॉक्स में लाने का प्रयास दाहिनी छोर तरफ से, लेकिन इस समय फिर से देखते हैं हटिए पीछे जाओ झुमर 11 के प्लेयर दाहिनी छोर तरफ से सपोर्ट ढूंढता हुआ काफी अच्छी पास वहां पर निकाल दिए हैं, मौका इस समय बन सकता है लेकिन डिफ्लेक्शन आता हुआ डिफेंडर द्वारा, अभी भी खतरा वहां पर बनी हुई है लेकिन किसी तरह यहां पर खतरों को टालता हुआ और टीम सुपर एसटी की सुपर एसटी के थ्रोइंग का मौका इस समय काफी लंबी थ्रो के साथ आगाज करता हुआ हेडर के जरिए बॉल को नियंत्रण करता हुआ फिर से दो नंबर के पास, इस समय मौका एसटीके के और जरूर यहाँ पर सपोर्ट ढूंढता हुआ दो नंबर के प्लेयर काफी समय बॉल को होल्ड में रखे अपने करिश्माई कदमों का इस्तेमाल कर वहां पर बॉल को पोस्ट डालने में कामयाब रहा, काफी सटीक पास फिर से वहां पर तीन नंबर के प्लेयर बॉल को माइनस करने में कामयाब रहा, कहीं ना कहीं देखना चाहिए यहाँ पर डिफेंडर लाइन को भेजना होगा, लेकिन अंतिम समय में बॉल को इस समय क्लियर करता हुआ डिफेंडर सुपर 11 के लिए। उतनी आसानी नहीं होगी सूरज जी क्योंकि एक बड़ा मैच यहाँ पर चल रहा है, तमाम टीमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीम लेकर आई है, एक बैलेंस टीम एक संतुलित टीम लेकर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी आसानी नहीं होगी दोनों टीमों के यहाँ पर 100% अपना योगदान देना होगा, लेकिन इस समय ऊंचाई के साथ सीधे क्रॉस में और सीधे गोलकीपर के दस्तनों में कमाल का प्रदर्शन उनके द्वारा, लेकिन फिर से झुमर 11 के कदमों में गोल, झुमर 11 के प्लेयर इस समय बिल्कुल भी सटीक पास 1-2 टच के माध्यम से डी बॉक्स में लाता हुआ, डी बॉक्स में इस समय मौका बन सकता है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं बिल्कुल भी फ्री स्पेस में और पहला गोल आता हुआ कमाल का प्रदर्शन झुमर 11 के द्वारा। Thank you.
सोमा सिंह को एक चर्चित प्लेयर है, अपने करिश्माई कदमों का जादू दिखाते वहां पर पहला गोल अर्जित करने में कामयाब रहा अपने टीम के लिए जुमर 11 की तरफ से सोमा सिंह को। तुम बनो गोल लेके रखो खिलाड़ी को है जबरदस्ती। और इस समय देखते हैं एक बड़ी टीम सुपर एसटी की इस समय पिछड़ता हुआ और कहीं न कहीं देखा जाए छह नंबर के लिए इस समय मौका बन सकती है। छह नंबर के प्लेयर रानी छोटर से बॉल को वहां पर क्लियर करने में कामयाब रहा डिफेंडर और फिर से वहां पर कमाल का प्रदर्शन रानी छोटर से। और इससे पहले जो एक जबरदस्त मुकाबला जारी था मैदान में छोटा टाइगर बना में खेती बाबा के बीच में निर्धारित समय में कोई गोल ना होने के कारण वो मैच टाई ब्रेकर में चली गई थी और टाई ब्रेकर में छोटा टाइगर की टीम ओपनिंग टीम खेती बाबा पर विजय श्री हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया और इस मैच में मैन ऑफ द खिताब जाता है छोटा टाइगर के गोलकीपर शंकर लागुरी। गोलकीपर छोटा टाइगर के गोलकीपर शंकर लागुरी हो आएंगे और आज का उस मैच का मैन ऑफ द मैच रहे छोटा टाइगर गोलकीपर छोटा टाइगर टीम के गोलकीपर शंकर लागुरी। बहुत बहुत धन्यवाद है रामलाल सर जी और पूरी तरह से मैच जारी है। इस मैच में बहुत ही शानदार गोल हमें देखने को मिला है माना बारी के द्वारा यहाँ पर सोमा सिंह के लिए पोल पास किया। सोमा ने दो खिलाड़ी को बीट किया गोलकीपर को चकमा देने के बाद अपनी टीम के लिए पहला गोल दागने में कामयाब। लेकिन इस बार संजय बीरवा के पैरों में गोल एक अनुभवी खिलाड़ी है इस बार बोल को कदमों के सहारे एक शानदार शॉट लेने की कोशिश। लेकिन यहाँ पर सुपर एसटी के लिए मौका हो सकती है लेकिन नहीं भैया सचिन को एक छोटे कद के खिलाड़ी है कमाल के स्टार खिलाड़ी है जब भी मौका बनती है अपने टीम के लिए गोल दागने में नहीं चुकते हैं और उन्होंने जिस तरीके से एयर में उनको पास दिया गया था और उन्होंने बॉल को चेस्ट डाउन करने के बाद कहीं ना कहीं टारगेट पर बॉल को डालने की उन्होंने कोशिश की लेकिन टारगेट से बाहर। सुपर स्टिक के पास भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी भरमा रहे और जहां तक मेरा मानना है रामलाल सर उनको कॉम्बिनेशन अगर सही रूप से उनकी टीम बनाती है तो जरूर कमबैक कर सकती है। और सीआईएफ के बहुत ही अच्छी टीम है सुपर एस टी के टीम और शायद यहाँ पर वापसी करेगी लेकिन इस बीच फिर से चार नंबर के कदमों में छह नंबर के कदमों में इस समय बॉल मौजूद और फिर से उनको बैक पास देना चाहा लेकिन उतनी आसानी नहीं होगी डिफेंडर वहां पर तैनात और कहीं ना कहीं एक दो गुना उत्साह के साथ नजर आ रही है टीम जुमर 11 जो पहले ही एक गोल यहाँ पर अर्जित कर चुकी है। लेकिन आमंत्रित करना चाहूंगा छोटा टाइगर के गोलकीपर शंकर लागुरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा जो खेल चल रही थी छोटा टाइगर बना में खेती बाबा में उसमें मैन ऑफ द मैच का खिताब उनके पक्ष में गई है छोटा टाइगर के गोलकीपर शंकर लागुरी आप आएंगे उस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए। धन्यवाद सर। और इस खेल के बाद अगला मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे जिनको पहले से ही सूचना प्रदान की गई है। ये प्राइज देंगे जय सिंह त्रिया उनके शुभ हाथों से ये प्राइज देते हुए जय सिंह त्रिया छोटा टाइगर के गोलकीपर। थैंक यू। आप लोग कर रहे हैं
लेकिन इस समय देखते हैं ये कि बेहतरीन मैच चल रहे सूरज जी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच का मध्यंतर यहाँ पर हो चुके हैं। कुछ अलग करना होगा इसी टीम में बने रहने के लिए सुपर एसटीके की टीम को। हारे जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, उस टीम में भी कई चर्चित खिलाड़ी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं उस टीम में भी दमखम है, तो शायद यहाँ पर वापसी करने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। लेकिन तमाम दर्शकों के लिए मैं बात कहना चाहूंगा, जिनको जानकारी नहीं है, जिन्हें मालूम नहीं है, जी हाँ साथियों, गौर फरमाइएगा। हर साल की तरह इस साल भी झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष में बिरसा भगवान मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष में शुभ अवसर पर बिरसा मुंडा बॉयज क्लब कलाइया के द्वारा जो टूर्नामेंट आगाज किया गया है, आज इस टूर्नामेंट का पहला दिन है। और मैं बताते चलूं, बिरसा बॉयज क्लब कलाइया के द्वारा जो पुरस्कार रखी गई है, पूरी तरह से मैं तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो कि यहाँ पर चार भागों में पुरस्कार बांटी गई है, जो कि यहाँ पर चार पुरस्कार के यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और बिरसा बॉयज क्लब कलाइया के इस मैदान पर, इस सरजमीन पर जो फाइनल मुकाबला खेलेगी, जो इस साल के जो हीरो टीम रहेगी, चैंपियन टीम को 51,000 नगद राशि के साथ एक चमचमाती ट्रॉफी और एक जर्सी सेट के साथ सम्मानित किया जाएगा 2021 में हीरो बनने वाले टीम को। और सेकंड पुरस्कार जो रखी गई है रनर्स अप टीम, 30,000 प्लस चमचमाती ट्रॉफी प्लस जर्सी सेट। तृतीय पुरस्कार 15,000 प्लस एक नई चमचमाती हुई फुटबॉल। और चतुर्थ पुरस्कार 10,000 प्लस फुटबॉल। तो यहाँ पर 32 टीमों को यहाँ पर आगे रखी गई है, जो कि टीम पूरी तरह से अवेलेबल है। तो यहाँ पर 32 टीम से चार टीम कोच टीम पुरस्कार के हकदार बनेगी। रामलाल जी, हमारे लिए कहना लापरवाही हो सकती है। और सिया सूरज जी, आपने सही फरमाए कि बड़ा पैकेज के साथ यहाँ पर आयोजन किया है बीबीसी कलैया, और तमाम कमेटी मेंबर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा मैच का यहाँ पर आयोजन किया है। लेकिन आमंत्रित करना चाहूंगा अगला जो खेल रहेगा, टर्मिनेटर एफसी बनाम ईपीएल सिंगी एफसी, इन दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश रहेगा बिल्कुल भी अपने टीम को तैयार रखेंगे। और ये मैच जो चल रही है, ट्राई मध्यंतर के बाद का खेल चल रही है, और किसी भी समय यहाँ पर अंतिम हुईसी आ सकती है, इसीलिए उन दोनों टीमों से मैं विशेष गुजारिश करना चाहूंगा, आप क्रॉस लाइन पर आएंगे, टच लाइन पर चले आएंगे। और टीमें हैं टर्मिनेटर एफसी बनाम ईपीएल सिंगी एफसी। और हम बातें कर रहे थे रामलाल जी, पुरस्कार के साथ साथ यहाँ पर इंडिविजुअल जो आकर्षक जो पुरस्कार रखी गई है बिरसा बॉयज क्लब कलाइया के द्वारा, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, क्योंकि ये चार खिलाड़ियों को प्रथम राउंड से लेकर फाइनल मुकाबला तक जिनका सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन रहेगी, इन्हें इंडिविजुअल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और जिया, लेकिन इस समय सुपर एसटीके की टीम जरूर एक सूर्य से पिछड़ रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर वापसी करने के लिए कुछ अलग करना होगा इस टीम को। जानते हैं उनके अपने टीम झूमर 11 इस समय एक गोल कर मजबूत इरादों के साथ खेलता हुआ, और कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर कुछ अलग करना होगा सुपर एसटीके टीम को वापसी के लिए। लेकिन इस बीच सुपर एसटीके की टीम दानी चोत्रा से सपोर्ट ढूंढता हुआ काफी अच्छी पास वहां पर एक क्रेडिट को ट्रिबल करने का प्रयास, काफी समय तक बोल को होल्ड में रखे हैं, देखते हैं कौन सा प्लेयर को यहाँ पर देंगे। राइट विंगर के लिए यहाँ पर चांसेस बड़ी, और राइट विंगर के लिए बॉल को यहाँ पर निकालने में कामयाब रहा राइट विंगर का प्लेयर। इस समय बॉल को कुछ देर के लिए जरूर यहाँ पर होल्ड रखे, 7 नंबर के लिए बॉल को बढ़ाना चाहा 7 नंबर के द्वारा 10 नंबर के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सूरज जी कॉम्बिनेशन बनानी होगी अपनी टीम को समाना स्तर की स्थिति में लाने के लिए। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको हमारी ओर से। और देखा जाए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर कुछ त्रुटि आई है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं खिलाड़ी थोड़ा सा इंजुरेड साबित होते हुए और रेफरी टीम उनका निरीक्षण करते हुए, और वो ज्यादा ही घायल है तो उन्हें सब्स्टिट्यूट की आशंका है। और जहां तक मेरा मानना है, हर टूर्नामेंट में देखा है रामलाल जी, खेल के मैदान में इस तरह की छोटी मोटी अक्सर घटनाएं घटती रहती है, तो हम खिलाड़ियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप बचकर अपने आप को संभाल कर खेलें, यही हमारी उम्मीद है।
ठीक है। और इस खेल के बाद आ रहेंगे एक खूबसूरत मैच इफिल सिंगी बनाम टर्मिनेटर एफसी। जी हाँ, टर्मिनेटर एफसी का सामना करेगी इफिल सिंगी एफसी के बीच में मुकाबला किया जाएगा। इस बीच बनाए बार झूमर 11 के खिलाड़ी दूसरी गोल की खोद में गोल लाइन के समीप कहने के दो दल के खिलाड़ी गोल के लिए जूझते हुए आखिरकार बोल चले गई गोल लाइन से बाहर। असिस्टेंट रेफरी फिरजू मुंडिया जी ने यहाँ पर कॉर्नर की का सिग्नल दिया है और शोभा सिंह के द्वारा ये शूट आउट लिया जा रहा है जिनके द्वारा इस मैच में पहला गोल आई है। देखते हैं किस तरह का शॉट है, कि शानदार शॉट है कप्तान माना बारी के लिए। लेकिन इस बार बहुत ही शानदार तरीके से पूरा बार अच्छी कोशिश की गई है लेकिन फिर से गोल गई गोल लाइन से बाहर। यहाँ पर देखा जाए एक सूचना है सूरज जी, किशोर त्रिया आप जहां कह दिया है हमारे मुख्य मंच पर चले आएंगे। किशोर त्रिया तो हम बातें कर रहे थे कि यहाँ पर सुपर एसटीके के जो खिलाड़ी हैं, यंग मैन खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके पास भी टेक्निक की कोई कमी नहीं है। पूरी तरह से अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पानी पिला चुके हैं लेकिन आज उनका जादू हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन इस बीच सारे खिलाड़ियों में रफ्तार में बल्कि बदलाव की आशंका। जी हाँ, यहाँ पर एक रणनीति कहूं तो गलत नहीं होगा, इसे कहते हैं रणनीति। और वो जानते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, कभी भी खेल की अंतिम सीटी आ सकती है और सही समय पर एक खिलाड़ी में बदलाव की जा रही है। आप देख सकते हैं झूमर 11 फिना एक बार गोल किक करेवल की कॉर्नर की का उन्होंने सहारा लिया लेकिन उससे पहले गोल की का सिग्नल आ चुकी है असिस्टेंट रेफरी की ओर से। और आमंत्रित करना चाहूंगा अगला जो खेल रहेगा टर्मिनेटर एफसी बनाम इपिल सिंगी एफसी, इन दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन रहेगा कि आप टच लाइन पर चलाएंगे क्योंकि माध्यांतर का बाद का खेल इस समय मैदान में प्रगति पर किसी भी समय यहां पर अंतिम हुई आ सकती है। इसलिए आमंत्रित करना चाहूंगा इपिल सिंगी एफसी बनाम टर्मिनेटर एफसी के कप्तानों से निवेदन रहेगा आप अपने टीम को लेकर टच लाइन पर चले आएंगे। और इस समय दूसरी गोल की खोज में निकल पड़ी है टीम, इस बॉल को माइनस करने में कामयाब रहा लेकिन 9 नंबर के मिड हाफ के प्लेयर इस समय आगे आए और जानते हैं यहाँ पर समय उनके पास बहुत ही कम है क्योंकि बचे हुए समय में टीम वापसी करना चाहेगी लेकिन देखते हैं ऐसा संभव कर पाते हैं कि नहीं अपनी टीम के लिए। लेकिन इसी अच्छी पास बॉल को निकालने में कामयाब रहा हेरे के जरिए पुनः बॉल को माइनस करते हुए। लेकिन कहना चाहूंगा एक जरूर जगना होगा, एक फितरत यहाँ पर दिखाने होगी अपनी टीम को समानांतर की स्थिति में लाने के लिए। सूरज जी क्या कहना चाहेंगे, वैसे आपको लग रहा है टीम वापसी करेगी जो टीम है सुपर एसटीके? बिल्कुल आपने सही बातें कही है, मैं तो यही उम्मीद करना चाहूंगा जो समय है समय अनुसार अगर सही रूप से सुपर एसटीके के खिलाड़ी अगर खेलते हैं तो जरूर उनकी टीम कम्बे कर सकती है। अगर आप समय पर भरोसा करते हैं समय के अनुसार आपको चलना होगा क्योंकि वो जानते हैं उनके पास समय की काफी बचत है। और इस बार अगर आप समय काफी कम होने के बावजूद भी अगर आप गलत पास करते हैं, रोंग पास करते हैं, सही पास देते नहीं है तो अपने टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इस बार पुनः एक बार दूसरी गोल की खोज में जो कि झूमर 11 पूरी तरह से कवरिंग करने में सक्षम, बॉल को छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दल के खिलाड़ी। शानदार बे पास हुई कप्तान माना के लिए, एक यंग मैन खिलाड़ी जो कि अंडर 14 भी खेल चुके हैं, एक कोच के नजर से उन्होंने जो कि खेल की जगत को सीखा है अंडर 14 जो कि माना जर्सी नंबर होता तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से बता सकते थे रामलाल जी। और सिया एक दिक्कत होती है कि आप जो गणवेश आपकी नजर आ रही है वो बेगर जर्सी के है तो उनके थोड़ा दिक्कत होती है उनको प्रभाषित करने के लिए। और लेकिन कमाल का यहाँ पर प्रदर्शन गोलकीपर द्वारा और कहीं ना कहीं 2-0 से यहाँ पर पिछड़े थी जरूर टीम को वहां पर रोकने में सफल रहा लेकिन इस समय फिर से एसटीके की टीम वापसी करने के लिए बेताब लग रही है। लेकिन इस बीच